रीना, हाँ मॉम कैसी है? बेहतर है, बस ठीक है, थैंक गॉड। अच्छा तुम लोग ना घर चले जाओ, रात की शिफ्ट में आई विल स्टे, थक गए होगे। अरे कोई मसला नहीं है, मैं रुक जाती हूँ। जोया, अब तो शीदा मामू और मुमानी भी चले गए, काफी देर से तुम लोग यहाँ पर हो, आई विल हैंडल, चले जाओ। Are you sure? हाँ भाई क्या हो गया, तुम लोग जाओ जाकर आराम करो। चलो फिर हम चलते हैं, तुम्हें कोई भी कुछ भी चाहिए हो ना मुझे या शौकी को फोन कर देना, ठीक है? मुझको टेंशन थोड़ी है, वो मेरा बंदा गाड़ी लेके आ जाएगा। चलो मैं बैग लेकर आती हूँ, गाड़ी की चाबी है उसमें। सोनिया जी, गाड़ी बहुत अच्छी। वैसे आपने गाड़ी चलाना कहाँ से सीखा? क्यों अच्छी नहीं चलाती? नहीं अच्छी चलाती है इसलिए तो पूछ रहा हूँ, बट नॉर्मली लेडीज अच्छी गाड़ी नहीं चलाती है। निराली जी ने अलीना के लिए रखा था ड्राइविंग ट्यूटर, और अलीना को वो अकेले भेजती नहीं थी तो मैं साथ जाती थी, तो बस अलीना के साथ साथ मैंने भी सीख ली। भला हो उस ड्राइविंग ट्यूटर का जिसने मुझे गाड़ी भी सिखा दी और डबल फीस भी नहीं ली। अरे वाह, ये तो कमाल किया उसने, गुड मैन। अब मैं जब अपनी गाड़ी लूंगा ना जोया जी, तो बस मैं भी ड्राइविंग आप ही से सीखूंगा, लेकिन फीस नहीं दूंगा मैं। क्यों तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती? आती है पर थोड़ी थोड़ी, वो क्या है ना, हम तो साइकिल ज्यादा से ज्यादा मोटरसाइकिल वाले लोग हैं, कोई अपनी गाड़ी देते हुए डरता है और हम भी चलाते हुए डरते ही। वैसे एक बात कहूं जोया जी, आपसे ना मतलब एक शिकायत है। क्यों क्या? अरे इतनी बड़ी गाड़ी निकली आपकी कुरंदाजी में और आपने एक नन्नी मुन्नी सी ट्रीट देना भी गवारा नहीं समझा। अच्छा बताओ क्या क्या चाहिए? बताओ सोहेल जी, दिल तो बहुत करता है कि किसी बहुत ही अच्छे से महंगे वाले होटल में जाके ना बढ़िया सा खाना खाया जाए, बढ़िया वाला खाना। लेकिन आप किसी ढाबे से चाय पापे भी चल जाएगा काम। चलो क्या याद करोगे तुम, आज तुम्हें महंगे वाले रेस्टोरेंट से खाना खिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मजाक कर रहा था, आप बहुत पैसे लग जाएंगे ना आपके, तो रहने देते। अरे कोई बात नहीं, जब तुम हमारी फैमिली के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मैं तुम्हें महंगे वाले होटल में खाना नहीं खिला सकती, सेविंग्स हैं मेरे पास। तो बस आज किसी और के हाथ का अच्छा खाना, मतलब अच्छा खाना खाएंगे। चल, हाँ। चलो पता है बहुत ही महंगी जगह लग रही है ये, तुम तो। खाना खाना है कि नहीं? खाना तो खाना है, भूख तो बहुत लग रही है, तो बस चलो। ओके हाय, रिजर्वेशन के लिए एक टेबल चाहिए। अरे मैम प्लीज आइए ना प्लीज। थैंक यू, चलो। एक ड्राइवर्स के लिए और नौकरों के लिए अलग से बाहर जगह है, तो आप प्लीज बाहर जाकर। एक्सक्यूज मी, वो साथ है मेरे। कौन? ये आपके साथ है? क्या हो गया भाई, तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कभी गरीब आदमी देखा ही नहीं, और टेंशन नहीं है, वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। काश कुछ एटिकेट्स भी होते। एनीवेज आपकी पेमेंट पहले की जाएगी। क्यों, बाकी सबकी पेमेंट भी पहले ही होती है? सबकी हो ना हो, लेकिन शेडी लोगों की पेमेंट होगी पहले। क्या मतलब शेडी लोग? मतलब ये है कि हमारे पास फिलहाल कोई भी टेबल अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग प्लीज कहीं और जाएं, यहाँ पे आपको टेबल नहीं मिलेगा। हाउ रूड, टेबल खाली नहीं है तो ये लोग क्या अंदर करने जा रहे हैं? हाँ एंड हाउ रूड, आपको तमीज नहीं है कि बात कैसे करनी है लोगों से? ये जो तुम लोग स्टेटस कॉन्शियस रेस्टोरेंट खोल के बैठे हुए हो ना, तुम लोगों को पैसों से गर्व होना चाहिए, लोग सिंगर पैसे बहुत है हमारे पास। हाँ जोया जी बस बस हो गया, मैं करता हूँ ना बात। क्या जोया जी, कब से बदतमीजी करे जा रहे हैं, इंसल्ट करे जा रहे हैं? मुझे एक मिनट दीजिए, आप दो मिनट यहाँ वेट कीजिए, मैं अभी आया। भाई साहब दो मिनट, हम दो मिनट, एक जो मैं लग रहा हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो जब तक तुझे पता चलेगा जो खुद ही दुख होगा कि तूने क्यों रोका। तो आए हैं तो खाना खा लेने चले जाएंगे थोड़ी देर में। तेरे जैसे लोग रोज आते हैं यहाँ पे 12 बजे के बाद, और जितना इस होटल का बचा हुआ खाना है ना उनके सामने हम डालते हैं। यार मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ, तुम बदतमीजी कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ पछताएगा बाद। क्या करेगा तू, उंडाएगा इनका, हाथ उठाएगा, मारेगा मुझे? नहीं भाई मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इज्जत से आए हैं, इज्जत से जाने दो। गार्ड्स एक काम करो, निकालो निकालो इसे, बाहर जाओ। हेलो कहाँ लेके जा रहे हो? ओए छोड़ो इसे, छोड़ो इसे, हटो
छोड़ो, शौकी तुम कितने बदतमीज इंसान हो सकते हो? अब पता चला मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? समझ आ रही है कि तुम क्या कर सकते हो? घटिया इंसान, इतना बड़ा जो रेस्टोरेंट खोलकर बैठे हुए हो तुम, थोड़ी सी तमीज भी सीख लेनी थी। मैडम तमीज भी हो तहजीब भी, सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ यहाँ आना अफोर्ड कर सकते हैं। और जो यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकते क्या वो इंसान नहीं है? और तुम, ये जो तुम इतनी फड़ियां मार रहे हो, जरा बताना खुद कहाँ से आए हो? हाँ, डोंट गेट पर्सनल, गेट आउट, गेट आउट। पता है कभी कभी अनजाने में इंसान ऐसी गलती कर देता है कि बाद में बहुत पछताना पड़ता है। कुछ घंटे बाद दोबारा मुलाकात होगी और वादा करता हूँ मुलाकात तो कभी भूल नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, जो करना कर लेना। योगी चलो, चले चलो, बहुत ज्यादा हो गया। क्या हुआ सोनिया जी, चलिए ना, आप रो रही हैं। सोनिया जी इन लोगों की बातों को दिल पे मत लीजिए, ये तो ऐसे ही है, मौका मिलते ही अपनी औकात दिखा देते हैं। मैं शौक है, रो इसलिए नहीं रही कि उसने बदतमीजी की है, इसे ही बुरा फील हो रहा है कि क्या हो गया लोगों को, उनकी मेंटालिटी को क्या हो गया। मतलब कि काइंडनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, तमीज नाम की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ पैसा। अगर पैसा है तो सब है। जोया जी छोड़िए ना, सोनिया वाले तो ऐसे ही हैं। और मेरी टेंशन मत लीजिए, मेरा क्या है ना, मेरी तो जिंदगी जब से मुझे इस मोड़ पे लेके आई है, मतलब मैं नौकर आदमी हूँ ना, तो बेइज्जती प्रूफ हूँ मैं। I'm sorry, तुम्हारी विश नहीं पूरी कर सकी। कोई बात, फिर कभी सही। एक बात कहूँ मैं? कभी अगर लाइफ में मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो दुनिया वालों की तरह आप भी ठुकरा के चली तो नहीं जाएंगी ना, साथ देंगी ना? मैं शौकी इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं, आई प्रॉमिस मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन अभी ना टेंशन के मारे बहुत भूख लग रही है, बहुत टाइम से कुछ नहीं खाया। तो उसमें क्या है, वैसे भी ये घटिया जगह कौन सी दुनिया की आखिरी जगह थी जहाँ खाना खा सकते थे? आप मुझे कहीं भी ले जाइए, आप तो ढाबे की चाय भी पिलाएंगी ना, तो मुझे 5 स्टार का मजा ही आएगा। पक्का ढाबा? मुझे एक जगह पता है, तू चले, चलो चले। नई गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है। अपने हाथों ते ला दे मेरे ना दी मेहंदी, लिशका मारे रूप सुनहरा ना जदों मेरा लेंदी, सपना मेरा सच हो जावे रब ही मंगदा, तारे गिन के रात कट दे दिन मेरा नहीं लंगदा। अच्छा चाचा ओ मुबारका जी, मुबारका, आज शहजादी बीबी तशरीफ लेके आई है जी। कैसे हैं आप? आला करा, बस बहुत दिल कर रहा था चाचा आपके हाथ के गर्मा गर्म रोटी और चने की दाल खाने का, तो बस जल्दी से ले आए। शौकी तुम्हें पता है चाचा के हाथ के खाने इतने मशहूर हैं कि लोग ऑर्डर पे बनवाते हैं। आज शहजादी बीबी स्पेशल तड़के के साथ आपको सारी चीजें मिलेगी, स्पेशल तड़के वाला। चलो छोटे और चने को तड़का लगा भाई। क्या बात है, आप इनको इतनी अच्छी तरह जानती हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बार मुझे सड़क पे चलते हुए मिल गए थे और इनके हाथ में डब्बे थे और मैंने लिप दे दी, तो बस सफर में मालूम हुआ कि वो खाना डिलीवर करते हैं। बस मैंने थोड़ा अरसा इनकी मदद की, लेकिन ये इनकी मेहनत का सिला है, देखो ना ढाबा खोल लिया इतना मजे का। अरे बीबी जी, रोटियां खमीरी या सादी? सादी? हाँ चाचा, सादी वाली। चाचा वो वाला चार स्पेशल वाला? जो को मुझे, जो को। तो बस
वैसे मैं सोच रहा हूँ मैं भी निराली जी के यहाँ से इस्तीफा दे देता हूँ और ढाबा खोल लेता क्यों? वो फिर आपकी ये अलग सी अटेंशन मुझे भी मिलेगी ना, क्या पता मैं भी ऐसे ही रस्ते में जा रहा हूँ कहीं डब्बे उठा के और सामने से आप आ जाए और फिर? फिर आप लिफ्ट देंगी ना? तो मैं ना लिफ्ट दूं तो? क्यों, हमने आपका क्या बिगाड़ा? तुमसे मैं पैसे लूंगी। अरे पैसे क्या जी, जो भी है मेरा सब ले लीजिए, दे दूंगा मैं। ये क्या हो रहा है? ये इन बच्चों का मिनी सिनेमा है। ये कैसे? यह पास में एक एनजीओ है, दिन को वो बच्चों को पढ़ाती है, शाम और रात में उनकी एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म या कार्टून दिखाती है। क्या बात है, है ना, क्यूट किड्स। शहजादी बीबी, गरम गरम रोटियां और गरम गरम चने तैयार। आप चाचू, आप ये रोटी और चने की मिकदार बढ़ा दोगे? वो क्या है ना, मैं सोच रहा था हम बच्चों के साथ बैठ के कार्टून देखते हैं और खाना खाते हैं, तो अब हम खाना खाएंगे तो वो भी तो खाएंगे। जो को मुझी अभी आज अभी आज मां चल चल ओए कैसे हो, थोड़ी जगह दोगे? आगे जाओ। देख लेना जी। हाँ। पता है जितने एडवेंचर आपके साथ हो गए हैं ना जिंदगी में, कभी सोचा नहीं था। अरे यार, एक ही तो जिंदगी है, उसको भी खुल के ना जिए तो क्या जिए। रुक जाती है? जी। अरे ये क्या बात हुई है? I think projector पुराना हो गया। जाहिर से बात है। अपनी जान की बाजी लगाकर अंकल की जान बचाई है, एक भी खराश नहीं आने दी उनकी बॉडी। बाकी पुलिस केस। शम्मा आंटी मेरे पापा के साथ आ गए तुमसे मिलने के लिए। या अल्लाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुमने बहुत बड़ा रिस्क लिया एहसान, तुमने ये भी नहीं सोचा कि खुदा न खासा तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही एंड हो जाती। हेलो, सुन रेहान, मुझे ना एक प्रोजेक्टर चाहिए। हाँ हाँ भाई। अरे अभी चाहिए? अरे जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना यार तू। हाँ मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी लेके पहुंच यहाँ पे। थैंक यू। अरे उदास होने की जरूरत नहीं है, देखो हमारे पास डेफ प्रोजेक्टर आ गया। कर रहा हूँ यार। मैं भी बैठूं?
चल। कैसे किया? वो मेरा एक एक दोस्त है, प्रोजेक्टर का काम करता है, तो उसी से ले लिया। गुड। गौतम दालिया। सर जी, मैं सोने जाता। नाइट। नहीं, बात सुनो जी। स्पाइडरमैन हो? नहीं। तो क्या सुपरमैन हो? नहीं जोया जी। फिर क्या अली जफर हो? अरे नहीं, वो तो ऐसे ही मैं मजाक में कभी कभी। शट अप। मतलब भाई हाजिर है वाली वाइब हर बार कैसे ले आते हो? कोई भी मसला हो भाई हाजिर है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? प्रोजेक्टर कहां से आया? वो प्रोजेक्टर, वो तो वो जहां बैठे खाना खा रहे थे ना, उसके बिल्कुल पीछे एक मार्केट है, वहां पे मेरे दोस्त की दुकान है। तो वो प्रोजेक्टर 200 रुपए पे, डीवीडी प्लेयर वगैरह, वो ये सब चीजें रेंट पे देता है। तो मैंने सोचा इतना तो मैं उन बच्चों के लिए कर ही सकता हूँ, इसीलिए मंगवा लिया। बड़े लिंक्स हैं तुम्हारे। हाँ, अगले साल प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए ट्राई करना, देखो तो सही कितने वोट्स मिलते हैं तुम्हें। सर जी, कोई और आए ना आए वोट देने के लिए, कभी ट्राई किया तो आप जरूर आना। पागल हो तुम। गुड नाइट एंड थैंक यू। योर वेलकम जी। गुड नाइट। पता चला मैं क्या कुछ कर सकता हूँ? समझ आ रही है कि तुम क्या कर सकते हो? खटिया इंसान, इतना बड़ा जो रेस्टोरेंट खोलकर बैठे हुए हो, तुम थोड़ी सी तमीज भी सीख लेनी थी। मैडम, तमीज भी हो तहजीब भी, सिर्फ उन लोगों के लिए जो यहाँ आना अफोर्ड कर सकते हैं। और जो यहाँ आना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या वो इंसान नहीं है? और तुम, ये जो तुम इतनी फड़िया मार रहे हो, जरा बताना खुद कहाँ से आए हो? हाँ, डोंट गेट पर्सनल, गेट आउट। रो इसलिए नहीं रही कि उसने बदतमीजी की है, इसे बुरा फील हो रहा है कि क्या हो गया लोगों को, उनकी मेंटालिटी को क्या हो गया। रेहान जी, बॉस, एक लोकेशन भेज रहा हूं, और इसके बाद जो मैं कहूंगा गौर से सुनना। अरे क्या हो गया बॉस, कोई पंगा हो गया क्या? अभी तो आया हूं आपके पास से। यही समझ लो, एंड आई वांट एवरीवन, एवरी सिंगल वन। आप भाई रुके, टेंशन नहीं लेनी आपने, मैं बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। टेंशन नहीं लेनी है, मैं पहुंच रहा हूं। Congratulations. ब्रांड के मालिक तो थे ही, साथ साथ अब रेस्टोरेंट के मालिक भी हैं। इसका मालिक बनने के बाद जो सस्का मिला है, दो और ब्रांचेस खोलने से भी नहीं हुआ। अब खरीद तो लिया, आगे क्या करें? आओ दिखाता हूं।
नाइस। अरे वेलकम सर, सर प्लीज इस तरफ। क्या? अच्छा दिस वे सर, इस तरफ। हाँ, अरे एक चीज याद आई, वो आपके रेस्टोरेंट में एंटर होने से पहले ज़्यादा चेकिंग वैकिंग होती है ना, चेकिंग कर ले मेरी। अरे सर क्यों शर्मिंदा करने सर, भला आप लोगों से सर, आई एम आप सर प्लीज आई। क्यों तुम तो अपने कस्टमर्स को रेस्टोरेंट में बिठाने से पहले एडवांस से पैसे लेते हो। अबे तू भेस बदल के ये चार गुंडे लेकर यहाँ पर दोबारा आ गया, तुझे मेरी बात समझ नहीं आई, अभी पुलिस को बुलाता। आएगी बेटा आएगी, पुलिस भी आएगी, और अपने साथ वो बड़ा वाला डंडा लेके आएगी जिसपे क्या लिखा होता। आजा मेरे बालमा, तेरा इंतजार है। शायर जो है वो इंतजार पे बड़ा एम्फेसाइज कर रहा है। मतलब क्योंकि ये रेस्टोरेंट खरीद लिया है। खरीदा किसने? खरीदा ये रेस्टोरेंट किसने खरीदा? ये रेस्टोरेंट खरीदा है शाहरुख अमीन ने। ये रहे का